हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा। दोस्तों, आज घुटनों के दर्द की सेकंड सीरीज के साथ मैं आपके सामने यहां पे आया हुआ हूं। बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे व्यूअर्स की ऐसी इच्छा थी कि घुटनों के ऊपर कुछ और टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो दोस्तों इसीलिए आज ये दूसरा वीडियो आपके सामने मैं बहुत ही जल्द से जल्द लेके आ रहा हूं। फ्रेंड्स, बात करते हैं घुटनों के दर्द के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो घुटनों के दर्द से पीड़ित है, और ज्यादातर देखने जाए तो औरतों में घुटनों के दर्द की समस्या मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जैसे कि एक मेल में है तो सामने चार फीमेल में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पुरुषों की कंपैरिजन में औरतों में ये प्रॉब्लम चार गुनी ज्यादा देखी जाती है। ज्यादातर घुटनों के दर्द के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा हमको क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है। दूसरा, जकड़ाहट, घुटनों के पोर्शन में जकड़ाहट महसूस होती है, उठने में, बैठने में, खड़े होने में, एक जगह पे बैठकर खड़े होने में जकड़ाहट महसूस होती है, सूजन आ जाती है। उसके अलावा कभी कभी न्यूरोलॉजिकल पेन यानी कि बर्निंग सेंसेशंस भी होते हुए देखा जाता है, और डिफिकल्टी होती है आपको वॉकिंग में, चलने में डिफिकल्टी होती है। और ये होता है क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड, जो घुटनों के बीच में जो चिकना पदार्थ है साइनोवियल फ्लूइड, उसकी कमी हो जाने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम होता है। ओल्ड एज में ज्यादातर देखा जाता है, और ये एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारी जीवन शैली में हमारी उठने बैठने की और हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल है उसकी कमजोरी, उसकी कमी की वजह से ये रोग ज्यादातर होते हुए देखा जाता है। कुछ कारणों के ऊपर मैं आपको प्रकाश डाल दूं कि क्या क्या कारणों से ये घुटनों का दर्द होते हुए देखा जाता है। सबसे पहला कारण ट्रॉमा, कुछ खेलते हुए, कहीं चलते हुए, कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी लग गया हमको घुटने में और लिगामेंट टियर हो गया या मेनिस्कस टियर हो गया, गादी फट गई, उसकी वजह से भी घुटनों के दर्द की तकलीफ होते हुए देखी जाती है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाने की वजह से भी जो है वो घुटनों का दर्द होता हुआ देखा जाता है। उसके बाद बहुत लंबे समय तक एक ही पोजिशन में खड़े रहने से भी घुटनों का दर्द होता हुआ देखा जाता है। जिन लोगों को यूरिक एसिड बहुत ज्यादा रहता है, हाई यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को घुटनों के दर्द की समस्या हो जाती है। यूरिक एसिड क्यों और कैसे बढ़ता है वो आपको मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये जान लें कि जिनका यूरिक एसिड ज्यादा रहता है उन लोगों को घुटनों का दर्द होने की समस्या ज्यादा होती है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं, इंक्लाइन वॉकिंग करते हैं, उन लोगों को घुटने की समस्या ज्यादा होती है। जिनका लिगामेंट टियर हो गया है उनको भी घुटनों की समस्या होती है। जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उन लोगों को भी घुटने के दर्द की समस्या होती है। जिन लोगों को घुटने में कुछ पस हो गया, घुटने में कुछ पस हो गया और इन्फेक्शंस लग गया, उन लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। और जिन लोगों को मोटापा है, शरीर बहुत बड़ा है तो पूरी बॉडी का जो वेट है वो घुटने के ऊपर आता है और घुटनों के दर्द की समस्या होती है। तो दोस्तों, ये सारे कारण थे जो घुटनों के दर्द में, घुटनों का दर्द होने के पीछे जवाबदार होते हैं। अब मैं आपको आज स्पेशली इस वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है वो आज आपको कुछ अच्छे अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन हमारी प्रैक्टिस में अजमाए हुए उपाय आपको मैं बताने वाला हूं कि जिन उपाय को करके आप अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों को घुटने का दर्द है उन लोगों के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी। आपको क्या करना है, अजवाइन, हल्दी, मेथी, सौंठ और लहसुन, ये पांच चीजों का पेस्ट तैयार करना है। उसको तिल के तेल में मिक्स करके उसमें पानी, जितना तिल का तेल है उससे चार गुना पानी डालना है। जैसे अजवाइन, हल्दी, मेथी, सौंठ, लहसुन, ये पांच चीजों को आपको 50-50 ग्राम लेना है, उसका पेस्ट तैयार करना है, उसमें एक लीटर काले तिल का तेल डालना है और उसमें चार लीटर पानी डालना है। फिर उसको उबाल उबाल के जब सारा पानी जल जाए और सिर्फ तेल बाकी रह जाए, याद रखिए दोस्तों जो पानी जो है वो पूरा जल जाना चाहिए, उसके बाद जो तेल बाकी रहता है वो औषधियों से सिद्ध हुआ हुआ काले तिल का तेल है। उसको ठंडा होने के बाद आप जो है वो उसको छान के उस तेल को आप पीछू धारण कर सकते हैं। जब तेल का पीछू आप अपने घुटने पे धारण करें तो उसको गर्म करके फिर उसको पीछू को उसमें डुबो के घुटने के ऊपर हमको 20-20 मिनट सुबह शाम रखना है, उससे घुटनों के दर्द में बहुत अच्छा राहत होते हुए देखी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, घुटनों के दर्द अगर आपको है तो आपको निर्गुंडी, एरंडमूल, हल्दी की गांठ, ये तीनों का 50-50 ग्राम पाउडर लेके
काले तिल के तेल में मिक्स करके इसी तरह से जो आगे मैंने आपको प्रोसीजर बताया, पानी, काले तिल का तेल और औषधि का मिक्सचर करके उसका तेल तैयार करके उसका आप मालिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल की मालिश करने से घुटनों के दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता हुआ देखा जाता है। अगर आपको आयुर्वेदिक तैयार औषधियों के बारे में बताऊं तो महानारायण तेल और पंचगुण तेल, ये दो तेल ऐसे हैं कि जिनका आप रेगुलर लोकल एप्लीकेशन यानी कि घुटनों के दर्द अगर आपको है तो आप घुटनों के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पाउडर जो मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज करता हूं और बहुत सारे पेशेंट्स को उससे रिजल्ट मिलता है, इस पाउडर को आपको इंटरनली लेना है जिसमें अश्वगंधा, हल्दी और मेथी ये तीनों को समान मात्रा में 50-50 ग्राम मिक्स कर देना है, उसका अच्छे से पाउडर तैयार करना है और उसमें से आधी आधी चम्मच सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने के बाद उसका इंटरनली रेगुलर सेवन करने से एक ही महीने के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। जिन लोगों को घुटनों के दर्द में दर्द की समस्या ज्यादा है वो महायोगराज गूगल नाम की टेबलेट सुबह शाम दो दो ले सकते हैं, चबा के लेनी है, इससे भी ज्यादा फायदा होते हुए देखा जाता है। उसके आगे हम बात करें तो दोस्तों अगर आपको घुटनों का दर्द है तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए वो देख लेते हैं। आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको वजन उतारना है, आपको बहुत ऊंची एड़ी के चप्पल नहीं पहनने हैं, आपको रॉन्ग पोस्चर में यानी कि जमीन पे उकड़ू बैठना या नीचे बैठ के पलटी लगा के बैठना, जमीन पे बैठना, ये सब चीजें आपको बंद कर देनी है, आपको बहुत ज्यादा वजन उठाना बंद कर देना है, आपको ठंडी चीजें खाना बंद कर देना है, आपको आलू, भिंडी, बैंगन, मटर और तुवेर ये चीजें नहीं खानी है और आपको अल्कोहल और टोबैको का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और क्या क्या करना है सबसे बेस्ट है हम जान लेते हैं क्या क्या करना है। हल्दी वाला दूध का सेवन रोज रात को करना है। मॉर्निंग में खाली पेट लहसुन की कली को आप चॉप करके दूध के साथ उबाल के उसको छान के उसका दूध रोज सुबह पी सकते हैं। घुटनों के दर्द में ऑसम रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। पूरे दिन में हो सके तो गर्मी, अगर ठंडी की सीजन है तो उसमें आप गर्म पानी का इंटेक पूरा दिन, वार्म वाटर का इंटेक करें, हल्का सा गर्म पानी, ये घुटनों के दर्द में बहुत फायदा कारक सिद्ध होता है। आप रोज एक बनाना सुबह खा सकते हैं या तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेकिन बनाना या कोकोनट वाटर का सेवन आप सुबह में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स का सेवन करने से घुटनों के दर्द में फायदा होता है। आप चिकन या मटन का सूप पी सकते हैं अगर आप, या बोन मैरो का सूप पी सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। आपको रोज सुबह में 20 मिनट सूर्य के जो धूप है, सन बाथ आपको लेना है, उससे हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है और हमको बहुत अच्छा फायदा होता है। और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए रोज रात को सोते वक्त एक चम्मच एरंडी का तेल एक ग्लास गर्म पानी के साथ मिक्स करके जरूर से पिए, उससे आपका स्टमक क्लीन हो जाएगा और पेन में भी काफी राहत होती हुई देखी जाएगी। 2-3 एक्सरसाइज बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहली एक्सरसाइज है लेग कर्ल्स, जो आपको इंटरनेट पर जाके देख लेना है, आपको लेग कर्ल्स करना है। दूसरा लेग एक्सटेंशन धीरे धीरे करना है और तीसरा सो के आपको साइक्लिंग क्रंचेस करने हैं। ये तीन एक्सरसाइज करने से घुटनों के दर्द में बहुत अच्छा फायदा होते हुए देखा जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको हमारे घुटनों के दर्द के सेकंड वीडियो में बताया कि घुटनों के दर्द में आपको कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां यूज करनी है, क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजों का आप रेगुलर इस्तेमाल करें। मैंने जो आपको तेल बताया है उसमें से कोई भी एक तेल का जो है वो लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आपको आयुर्वेदिक औषधियां बताई है उसको आप रेगुलर लीजिए, ये मेरी प्रैक्टिस में मैं रेगुलर यूज करता हूं और बहुत सारे पेशेंट्स को जल्द से जल्द फायदा होते हुए देखा जाता है। तो दोस्तों अगर इसके अलावा आप लोग हमसे दवाई मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके आपकी हिस्ट्री वीडियो कॉलिंग के थ्रू हमसे बात करके आपके घर पे बैठे हुए आप हमारे पास से भी दवाई मंगवा सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारी जगह पे आप हमें फॉलो करिए। हम ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स लेकर आपके सामने रेगुलर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों अगर आप कोई और सब्जेक्ट पे, कोई और प्रॉब्लम पे, कोई और डिसीज पे जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है उससे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। आप जैसे बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करके बताते हैं इसीलिए मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों आज हम यहां पे घुटनों के दर्द की बात यहीं पे खत्म करेंगे। आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।